फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग। और आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए वेज स्प्रिंग रोल। आई होप आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जल्दी से छोड़ के भागिएगा नहीं, और आप भी खाएं और मज़े लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वेज स्प्रिंग रोल के लिए हमने ले लिया है एक शिमला मिर्च, एक चुकंदर है, तीन प्याज है, दो टमाटर हैं, ये ग्रीन चिली है और ये गार्लिक है। सो इन सबको हम पहले कट कर लेंगे और इनको हम पेस्ट बना करके डाल लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको कट लेते हैं। सब्जियों को कट कर लिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये गार्लिक और जिंजर है, टमाटर, ग्रीन चिली को हमने बारीक कट किया है, और ये है नूडल्स। चाउमीन बनाते हैं तो इसका भी हम प्रयोग करेंगे इसमें। सबसे पहले हम गर्म कर लिए हैं पैन, अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं का गर्म हो जाएगा। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले हम ये जिंजर और गार्लिक रखा था तो डाल देंगे, साथ में एक ग्रीन चिली डाल देंगे। मिर्ची के साथ में हम सारी सब्जियों को एक साथ डाल लेंगे। नमक है यानी सॉल्ट, हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल लेंगे। और सब्जियों को हम पूरा पूरा गलने नहीं देंगे, इसे हल्का कच्चा रहने देंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सॉस मिलाएंगे, इसी के साथ साथ हम नूडल्स को अभी बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले हम ये स्टफिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारा पानी यहाँ बॉयल हो रहा है, हम हल्का सा नमक इसमें डाल रहे हैं और हल्का सा तेल भी हम डाल देंगे। और इसमें अब हम नूडल्स को बॉयल कर रहे हैं। अब हम इसमें सोया सॉस हल्का सा डाल रहे हैं और साथ ही में डालेंगे ये टोमेटो सॉस। इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चिली सॉस डाल लेंगे। चिली हम लोग अपने टेस्ट के अनुसार ही डाल लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है, और इसमें हम नूडल्स को बॉईल करके डाल देंगे। हमारा ये जो नूडल्स देखिए तैयार हो गया है, इसे भी बहुत ज़्यादा गलने नहीं देना है, ये अच्छे से गल गया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा हवा में इसे रख देंगे सूखने के लिए। अब
अब हम मैदे को सान लेंगे क्योंकि हमारा स्टफिंग तैयार है। तो अब हम इसे सान करके इसका डो बना लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट अच्छे से। हल्का सा ऑयल भी हमें डालना है, ये रिफाइंड ऑयल है, आप घी भी डाल सकते हैं। हमारा देखिए नूडल्स ये जो है उबल गया था, हमने इसे हल्का सा हवा में रख दिया। अब हम इसे इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद है तो आप नूडल्स डालें, नहीं तो सिर्फ वेज को ही रहने दें। और आप कोई भी वेजिटेबल्स को डाल सकते हैं अपना मन पसंद। इसमें आप चाहे तो पनीर भी मिला सकते हैं। एक बार आप इस स्टाइल से बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारा ये डो जो है तैयार है। अब हमें इसे बेल लेना है पतला, रोटी की तरह बिल्कुल पतला बेलेंगे हम स्टफिंग को भरने के लिए। और ये है करीब 2 चम्मच मैदा है, इसको हम घोल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे और उसको चिपकाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल पतला बेलेंगे हम। अब हम इसे सेंटर में डाल लेंगे। और इसे हम किनारों पे अच्छे से लगा देंगे जो मैदे का घोल बनाया है, ताकि अच्छे से ये चिपका रहे, खुले नहीं। सो ये आराम से बन जाता है। अब सबसे पहले हम इस वाले को ऐसा, उसके बाद सेकंड हम यहाँ से चिपका देंगे, फिर इसको ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए आराम से हो गए। अब इसे फिर यहाँ से हम रोल कर देंगे ऐसे, देखिए ये बिल्कुल, ये देख सकते हैं रोल हो गया हमारा। हमारे रोल तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, तेल भी गर्म है, हल्का सा धीरे से डालना है। फ्लेम को हम लो कर देंगे। हमारा रोल जो है एक साइड से देखे हो गया है, इसे अब पलट देते हैं। मीडियम आंच पे आपको इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसे धीरे से निकाल लेते हैं।
हमारा ये स्प्रिंग रोल क्रिस्पी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब आइए हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल टेस्टी तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।